और गाइस आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो भाई सच्ची उठा रहा हूँ, ये देख लो सच्ची उठा रहा हूँ कसम से। हेलो गाइस, अब हम ट्रैक्टर पे आ चुके हैं, जैसे देख ही सकते हैं हम खेतों से निकल के अब जमीन। गाइस एक बात सच्ची बताऊं, हमारे डोगरी में क्या एक कहावत है, लंब निकल जाती है। लंब क्या, लंब की माँ भी निकल गई है इस वक्त। बस हो गई है मेरी, तो सांस नहीं आ रही है, बस हो गई है, बस ट्रक ट्रेन कार लेटर बैटर सब कुछ हो गया। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम फिर सीधे आ गए हैं गांव, आपको ये गांव तो गांव आ गए हैं। और सरसों की खेती आपको पता ही है चल रही है, जैसे कि उसकी हार्वेस्टिंग चल रही है, और ये देखिए पीछे हार्वेस्टिंग कर दी है। अब इसको कर रहे हैं इकट्ठा, हार्वेस्टिंग इस बार किसी और से करवाई है, उनको पैसे दिए भाई ये कर दो, हमसे नहीं होती, तो उन्होंने कर दी थी। और हम अब लगे हैं क्या करने, इकट्ठी करने, और इकट्ठी भी 2-3 घंटे लग जाएंगे। वो देखो चाचू और पीछे लगे हुए हैं करने, चाचू वगैरह सब कुछ, तो मैं भी लगाऊँ करने, मगर पूरे दिन लग जाएगा। मैं बीच में क्या पता मुझे एक हार्ट अटैक भी आ सकता है छोटा सा। तो चलो अभी इकट्ठी करते हैं, फिर मिलते हैं आपको बाद में। खुद इकट्ठी कर रहा हूँ यार, भरोसा कर लिया करो। देखो पेट भी कम हो गया, स्टार्ट ही किया अभी, मैं पेट स्टार्ट पहले ही कम हो गया, तो चलो करते हैं। देखिए गाइस चाचियाँ यहाँ थक चुकी हैं, ये डेयरी इतनी उठा के, अभी ये भी उठानी है ये सारी। मैंने छोटी सी डेयरी लगा दी इधर, आहिस्ता आहिस्ता उठा ही देंगे, 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन इधर और चाचू ने तो मुझे छुपा दी, ये वही चाचू है जिनका लग गई थी, ये देखिए। और हम पहले जूस पी रहे हैं यहाँ पे। देखिए गाइस अभी तक यही सिर्फ इतनी सी उठाई है हमने, 4 बंदे हम लगे हुए हैं, मैं, 2 चाची और 1 चाचू और मैं, और ये बच गई अभी तक। और ये 1 घंटा लग जाएगा हमें। और आपको हमें मेरी सांस जो चढ़ी हुई है, मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। और देखिए चाचियों को ही थका दिया हमने, चाचू को तो पहले ही आपको पता लगी हुई है, और ये भी पूरा काम कर रहे हैं, फुल पावर में लगे हुए हैं। और मैं पहले अपनी टोपी ले आता हूँ, पहले फिर बात करते हैं आपसे। और गाइस आप पसीना वगैरह देख ही सकते हैं जो हालत चल रही है, ये देखिए ये बस हो गई, ये अभी इतना सही किया हमने, ये देखो 2 घंटे लग गए इतने इधर ही, तो अभी थोड़ा सा और करेंगे तो हो जाएगी ख़त्म। फिर जब वो मशीन आएगी फिर सरसों निकाल लेंगे हमारे, फिर दान देखेंगे आगे क्या करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हालत ख़राब हो गई है गाइस, ठीक ठाक हालत ख़राब हो गई है। और अभी बाकी थोड़ा थोड़ा ला रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, देख सकते हैं इतना तरह गट्ठा उठा रहे हैं हम। ये चाचू उठाएंगे, बाकी फिर मैं उठाऊंगा। ये थोड़ी सी रह गई अभी, इतनी सी जगह रह गई है, ये हो जाएगी फिर निकल जाएंगे। और गाइस आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो भाई सच्ची उठा रहा हूँ, ये देख लो सच्ची उठा रहा हूँ कसम से, ये तभी पसीना इतना आया। और ये देखिए आप सामने, ये देखिए कितनी हमने डो दी है, और ये देखिए कसम से सारी खुद उठाई मैंने और चाचू ने, सच बोल रहा हूँ भगवान कसम। गाइस ये देखिए चाचू इधर एक टांग को अभी लगी हुई है, इनको मान नहीं रहे हैं, ये देखिए हम तबाही कर रहे हैं, हवा भी आने लगी है थोड़ी थोड़ी, तो बस थोड़ी सी रह गई अब, ये देखिए थोड़े से हैं, करते हैं इनको कंप्लीट, फिर मिलते हैं आपसे आगे। और गाइस देखिए इधर से अब वो उधर छोड़ने जाऊंगा मैं, आप साथ साथ चलते रहे हमें बताते ही हैं, बस हो गई है। और चाची को एक कैमरा मैन रखा हुआ है, तो चलो हम जाते हैं इसको छोड़ के आते हैं। और गाइस फाइनली इकट्ठी कर ली है, और अब हम चले हैं यहाँ से घर, एक मिनट थोड़ा सा काम है, पानी शानी लिया है। हेलो गाइस, अब हम ट्रैक्टर पे आ चुके हैं, जैसे देख ही सकते हैं हम खेतों से निकल के अब जमीन में वापस जा रहे हैं। हम इधर आ गए थे ट्रैक्टर लेने भैया का, ये देखो भैया ट्रैक्टर चला रहे हैं, और ट्रैक्टर से हम निकलेंगे अब जमीन में, फिर निकालेंगे सरसों इसमें मशीन में, देन फिर हम वापस आ जाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। तो चलो पहले आप ये देख लो, निकल रही है, ये देखिए मशीन से इधर गंद निकल रहा है जो बुरा कहते हैं हम, ये देख सकते हैं। गाइस ये देखिए पीपे पीपे सब कुछ दिखाएंगे आपको गाइस,
और गाइस हमने निकाल ली है सरसों, ये देख सकते हो बस हो गई है। और ये भर रहे हैं वहाँ पे किलन में ले जानी है, ये किलन में काम आ जाएगी। तो बाकी हम ये दो बैग उधर दे दिए, तीन ही है, तो बाकी हम इधर ही हैं, हम मशीन पे खड़े हो गए हैं अभी। अब यहाँ से निकलेंगे, दूसरी जगह में जाना है, वहाँ पे निकालेंगे सब, तो फिर इधर आ जाएंगे। गाइस हम ट्रैक्टर के जो पीछे वाली मशीन है वहाँ पर बैठ चुके हैं, ये देखिए, और यहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा है और एडवेंचर पूरा करके जा रहे हैं, आपको दिखाते रहेंगे। मम्मी ने धोखा दे दिया हमें, क्या करते, मम्मी आई नहीं, सारा काम मुझ पर फेंक दिया। ये देखो एक दिन में शक्ल, टैनिक देखिए कितनी हुई, अभी तो धूप थी नहीं, तो ये हाल है, ये धूप होती तो मुझे आप पहचानते ना। तो फिलहाल हम दूसरी ज़मीन में चले हैं, वहाँ पे करते हैं काम, तो बाकी आपको बताते रहेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। गाइज एक बात सच्ची बताऊँ, हमारी डोगरी में एक कहावत है, लंब निकल जाती है, लंब क्या, लंब की माँ भी निकल गई है इस वक्त, बस हो गई है मेरी। और फिलहाल हम दूसरी ज़मीन में जा रहे हैं, तो उधर भी देखेंगे करेंगे, देन उधर से घर चले जाएंगे। आज पूरे दिन ऐसे ही शेड्यूल है, शक्ल देख सकते हो जितनी गोरी थी नहीं, उससे बुरी हालत हो गई है, तो क्या कर सकते हैं, बता नहीं सकते किसी, चलो हो रहा है, देख रहे हैं हम कर रहे हैं। तो मम्मी ने मुझे धोखा दे दिया है, आई खुद नहीं, मुझ से करवाया काम, मैं आगे जिम्मेदारी कर रहा हूँ, तो ब्लॉग नहीं बनता तो जिम्मेदारी कहाँ से होनी है। तो चलो आपको देखते रहो हमारी क्या सी हालत है। और सामने सरसों देखो ये कितनी अच्छी है, बड़ी अच्छी लग रही है किसी की सरसों, ये भी कोई ज़्यादा नहीं, मैं कहता दो तीन बोरियाँ तो होंगी, हैरी भी दो उससे ज़्यादा ही निकल गई हैं, ये देखिए। ये देखिए हमने जितने भी मैक्सिमम जितने भी अपनी ज़मीनों की सरसों ले आया हूँ, ये देख सकते हो आप, ये मेरी भी है, जो मैंने पिछले वीडियो देखी होगी ना, चाचू ने जो मैंने और चाचू के साथ में लगाई थी, मेरे तो यही है एक दो तीन बैग, और दो मैंने घर पे भेज दी हैं, बाकी ये दूसरे चाचू की है, और एक दो जगह और भी निकलवाने वाली है, वो निकलवाएंगे क्योंकि रात हो गई है काफ़ी, तो सांस नहीं आ रही है, बस हो गई है, बस ट्रक ट्रेन कार लेटर बैटर सब कुछ हो गया। तो अब चले हैं घर, तो बताते हैं आपको क्या करना है कि, तो साथ में आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये सब। तो अभी हम ट्रैक्टर पे ही जा रहे हैं, पता आपको मैंने दिखाया वाले वीडियो में, और ये सरसों काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, ये भी अपनी है। और गाइस चंद सेकंडों में हम घर पहुंच जाएंगे, और आप पहले गांव देख लो मेरा फिर से, ये देखिए गाँव, और ये देखिए गाय वगैरह यहाँ पर। और गाइस उम्मीद नहीं थी कि इतनी सरसों हो जाएगी, पिछली बार 5 बोरियाँ थी, इस बार 13-14 हुई हैं, तो देख ही सकते हो आप कितनी मेहनत करता हूँ मैं। हाँ पता मुझे कर, मैंने नहीं किया, बाकी बस बीज तो मैंने लगाया था, जोती तो मैंने ही थी, बाकी कटाई नहीं की और अलग बात है, बाकी सारा काम किया मैंने, कटाई में हमने लगा लिए मजदूर वगैरह, क्या करते। तो चलो हम थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे, हम मिलते हैं आपसे, थोड़ा नहा नू लेते हैं, और आज लास्ट व्रत है, व्रत भी रखा हुआ है, बीमार भी हो गया थोड़ा सा, और सारी डस्ट अंदर गई है, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। और गाइस खाना वगैरह कंप्लीट हो गया है, और अब देखेंगे सुबह क्या करेंगे क्या नहीं, आज पूरे दिन ऐसे ही बिजी शेड्यूल होता रहा, आपको दिखाया भी मैंने सब कुछ, कहाँ से गए हमने सरसों का वो ये निकाली, फिर अब यहाँ आके सुखा रहे हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा, ऐसे पूरे दिन रखी हुई, तो इधर रखी हुई है इसके नीचे सरसों, तो थोड़ी इधर रखी हुई है, और ये देखिए ये सरसों। तो चलो अब सोते हैं, सुबह देखते हैं क्या करना क्या नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग, अब बिल्कुल ठीक हो, और आप देख ही सकते हो पीछे जैसे कि बारिश हो रही है, और जो मैं काम करने आया था मेरा मैक्सिमम काम हो गया, लेकिन ये सूख नहीं रही है जो साइड पड़ी हुई है सरसों। तो चलो घर निकलते हैं,
फिर आएंगे जिस दिन बारिश कम होगी, तो वीडियो करते हैं एंड। तो मुझे बताना वीडियो कैसी रही कैसी नहीं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। टिल देन ओके।